नमस्कार दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्कूल ब्रांच ने आज यानी कि 27 अगस्त 2020 को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें रिवाइज्ड एडमिशन क्राइटेरिया फॉर क्लास 11 इन गवर्नमेंट स्कूल्स दिया गया है। यानी कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में यदि आप क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए रिवाइज्ड एडमिशन क्राइटेरिया इशू कर दिया गया है। और इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है, चलिए देखते हैं। ये कहता है कि स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन मैथ्स बेसिक कोड 241 इन क्लास 10 मेन एग्जामिनेशंस 2020 कैन ऑप्ट फॉर मैथमेटिक्स कोड 041 इन क्लास 11 फॉर द स्ट्रीम साइंस कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट ऑफ परसेंटेज क्राइटेरिया। यदि क्लास 10th आपने 2020 में पास किया है और आपके पास मैथ्स बेसिक था जिसका कोड 241 है, और अब अगर 11th में आप मैथ्स रखना चाहते हैं जिसका कोड 041 है, तो वो आपको साइंस कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज तीनों में भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जो मार्क्स की परसेंटेज क्राइटेरिया है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो चलिए यहां देखते हैं, स्टूडेंट्स डिक्लेयर्ड पास्ट इन द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन एनी स्ट्रीम of class 11 subject to the following revised eligibility criteria for academic session 2020-2021। यदि आप academic session 2020-21 में class 11th में admission लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये eligibility criteria fix की गई है। इसको बहुत अच्छी तरह से देख लें और उसी हिसाब से अपना form भरें। यदि आप science with maths चाहते हैं तो आपका टोटल 55% मार्क होना चाहिए, इंग्लिश में 50%, साइंस में 50% और मैथ चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक मैथ हो, इसमें 50% मार्क्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि आप साइंस विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो टोटल 10th में आपका 55% होना चाहिए, इंग्लिश में 50%, साइंस में 50% और मैथ चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो या बेसिक मैथ हो, इसमें 40% मार्क्स होना चाहिए। कॉमर्स विथ मैथ अगर आप चाहते हैं तो टोटल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश में 45%, सोशल साइंस में 45% और स्टैंडर्ड मैथ या बेसिक मैथ दोनों में से जो भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप कॉमर्स विदाउट मैथ चाहते हैं तो ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश में 45% या फिर हिंदी में 45% हो और सोशल साइंस में 45% होना चाहिए, तो आप कॉमर्स विदाउट मैथ ले सकते हैं। ह्यूमैनिटीज में यानी कि आर्ट्स में अगर आप 11th चाहते हैं तो कोई भी बच्चा जो 10th पास किया है वो ह्यूमैनिटीज रख सकता है, लेकिन यदि वो 11th में इकोनॉमिक्स रखना चाहता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए जरूरी है कि फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 45% इन एग्रीगेट। यदि आपको 11th में इकोनॉमिक्स चाहिए तो टोटल कम से कम 45% या इससे ऊपर मार्क्स आपके क्लास 10th में होने चाहिए। और यदि आप ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स रखते हैं लेकिन आप मैथ्स चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्राइटेरिया है, फॉर गिविंग मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ए स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% इन स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ। यदि आप ह्यूमैनिटीज रखते हैं लेकिन आप 11th में मैथमेटिक्स चाहते हैं तो आपका 10th में चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स था या बेसिक मैथ था, उसमें आपको 50% मार्क्स जरूर होना चाहिए। अब यह कहता है कि किस किस को कितनी छूट मिल सकती है मार्क्स में, तो ये देख लीजिए अच्छी तरह से। ऑल हेड्स ऑफ स्कूल्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट रिलैक्सेशन ऑफ
5% marks in any one of three subjects mentioned above for admission in particular stream is to be given in respect of candidates belonging to the categories SC, ST, minorities, OBC, non-creamy layer, Kashmiri migrants and those students having first, second or third position in national games. इसका मतलब ये हुआ कि यदि बच्चा SC, ST, minority और OBC, जो non-creamy layer OBC होता है, या फिर कश्मीरी माइग्रेंट या नेशनल गेम्स में अगर वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन होल्डर है तो उसको मार्क्स में 5% का रिलैक्सेशन मिल सकता है. और हमारे जो स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है इन ऑल सब्जेक्ट्स मेंशनड फॉर एडमिशन इन पर्टिकुलर स्ट्रीम. स्पेशली एबल्ड बच्चों को सभी सब्जेक्ट में 5% की छूट दी जा सकती है. और अब जो NIOS प्रोजेक्ट से बच्चों ने पास किया है उसके लिए क्या कहा गया है देख लीजिए. The above mentioned revised criteria is for regular students and students of Directorate of Education studying regularly under NIOS project. यानी कि जो बच्चे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर NIOS प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने 10th पास किया है उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी. और आगे कहते हैं कि स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड देयर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दैट इज क्लास 10 डायरेक्टली फ्रॉम NIOS विद 55% मार्क्स और अबव इन एग्रीगेट ऑफ 5 मेन सब्जेक्ट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन ह्यूमैनिटीज विदाउट स्किल सब्जेक्ट्स. यदि कोई बच्चा क्लास 10 NIOS से पास करता है और उसके 55% मार्क्स या उससे ज्यादा हैं टोटल इन 5 मेन सब्जेक्ट्स तो वो 11th में ह्यूमैनिटीज रख सकता है विदाउट एनी स्किल सब्जेक्ट. यानी कि NSQF का कोई सब्जेक्ट उसको रखने की जरूरत नहीं होगी. लेकिन यदि वो 50% मार्क्स या उससे अबव मार्क्स लेके आता है इन 5 मेन सब्जेक्ट्स देन they are eligible for admission in humanities with skill subject. अगर 55% marks या उससे ऊपर है तो आपको humanities मिलेगी साथ में आपको skill subject मिलेगा. यदि आप 55% marks या उससे ज्यादा score करते हैं class 10 में तो फिर आपको humanities तो मिलेगा ही साथ ही कोई skill subject लेने की आवश्यकता नहीं होगी. और अंतिम बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो ये है कि फॉर नॉन प्लान एडमिशंस स्टूडेंट्स रिजाइडिंग इन दिल्ली विथ वन ऑफ द फॉलोइंग वैलिड प्रूफ विल बी एलिजिबल. अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और नॉन प्लान एडमिशन चाहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी दूसरे स्टेट से दिल्ली में आए हैं या आपने पढ़ाई छोड़ दी थी और पुनः आप स्टार्ट करना चाहते हैं और इसलिए आप दिल्ली के स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक एड्रेस प्रूफ आपका होना जरूरी है जो इनमें से कोई भी एक चीज हो सकता है. बीपीएल राशन कार्ड ये चाहे बच्चे के पेरेंट्स के नाम पे हो जिसमें कि बच्चे का नाम भी होना चाहिए या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है जो बच्चे के नाम पे हो सकता है या उनके पेरेंट के नाम पे हो सकता है. वोटर आई कार्ड उनके पेरेंट का हो सकता है. इलेक्ट्रिसिटी या वाटर या MTNL का बिल हो सकता है जिस पर उनके पेरेंट के नाम होने चाहिए. बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस की पासबुक हो सकती है जिस पर या तो बच्चे का नाम हो या फिर उसके पेरेंट का नाम हो. आधार कार्ड बच्चे का हो या फिर उनके पेरेंट का हो. पासपोर्ट या तो बच्चे के नाम पे हो या उनके पेरेंट के नाम पे हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो जो या तो बच्चे के माता या पिता के नाम पे हो सकता है. तो दोस्तों ये रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं. पहले जो भी क्राइटेरिया दिया गया था उससे अलग जो ये नया क्राइटेरिया दिया गया है इसको अच्छी तरह से समझ लें और उसी हिसाब से अपना फॉर्म भरें. ऑल द बेस्ट.